उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। सीसामऊ सीट पर एक तरह से दंगल शुरू हो चुका है, वो इसलिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी में खींचतान मची हुई है कि आखिर यहाँ पर किसको वो अपना प्रत्याशी घोषित करे। लेकिन ये खींचतान सिर्फ बीजेपी में नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी में भी है, बहुत सारी चीज़ें सपा के अंदर चल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीसामऊ की सह प्रभारी गजाला लारी, जो कि 3 बार से रामपुर कारखाने से विधायक हैं और इस समय सह प्रभारी हैं सीसामऊ की, उनसे हम बात कर लेते हैं। गजाला जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सह प्रभारी बनाई गई हैं, आपने अभी तक देखा है सीसामऊ सीट में आके, अभी तक की जो आपकी रिपोर्ट है वो क्या रिपोर्ट है? देखिए, ये सीसामऊ सीट कोई नया सीट नहीं होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहाँ के लोगों ने 6 बार समाजवादी पार्टी को जिताया है, जिसमें कि मरहूम साहब मुश्ताक सोलंकी साहब और उसके बाद इरफान सोलंकी उनके बेटे को जिताया है। और चूंकि उपचुनाव हो रहा है, सभी लोग जानते हैं कि किस वजह से हो रहा है, तो ये चुनाव बिल्कुल जीता हुआ है और ये एक प्रक्रिया है जो कि चुनाव के रूप में होने जा रही है। लेकिन एक बात और है कि अगर हम सीसामऊ सीट पे बात करें और आपकी पार्टी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा खींचतान तो आप ही की पार्टी में मची हुई है। आपके जो 2 विधायक हैं और आप ही के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके बीच की जो खींचतान है, अभी सार्वजनिक मंच पर ही समीक्षा बैठक के दौरान वो खींचतान निकल के सामने आई है, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पार्टी को। देखिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है और बड़ा परिवार है। परिवार में नेता भी हैं, सभी लोग हैं, विधायक हैं, तो थोड़ी बहुत हर परिवार में खटपट होती है, वो यही, और कुछ है नहीं इसमें। और इंशाल्लाह सारी चीज़ें राष्ट्रध्य जी ने सबको निर्देशित किया हुआ है कि इस विधानसभा को जिताना है, तो सब लोग मिल करके इस विधानसभा को जिताएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो जो पार्टी के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है, कि आपको उम्मीद है कि चुनाव से पहले यानी इलेक्शन के मतदान से पहले पहले उसको ख़त्म आप लोग करवा पाएंगे? ये ख़त्म ही है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ रखा नहीं। ये तो आपस का थोड़ा बहुत था जो कि मीडिया में आ गया, हालांकि ये बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत हर पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं, बंद कमरों में हो जाती हैं, पता नहीं चलता। ये पता लग गया तो लोग इसको खींचतान बता रहे हैं, लड़ाई झगड़े बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब थोड़ी बहुत चलती है, सब ख़त्म भी हो जाता है, इसमें कुछ रखा नहीं है। अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के लिए काफ़ी नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि सीसामऊ सीट पिछले 22 सालों से बीजेपी नहीं जीती है। तो इस बार उन्होंने उनके जो कद्दावर मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सभी लोग यहाँ से, मतलब डिप्टी सीएम से लेकर गुजरात के पूर्व सीएम से लेकर, सभी लोग इस पे लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो इतनी मजबूत टीम इस बार बीजेपी ने लगा रखी है, और आपकी तरफ से अभी तक ऐसी आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है, तो क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि इतने साल से जीतते आ रहे हैं तो हम ये सीट जीत ही जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव तो चुनाव है, और हर चुनाव में हर पार्टी अपने सारे दिग्गज जितने भी हैं, जो भी इसका प्रोसेस होता है, सबको लोग करते ही हैं, लगाते हैं, इसमें भी लगा रखा है, कोई अलग से कोई नया तो विदेश से आया नहीं है। और जहाँ तक ये नाक के सवाल की बात कर रहे हैं, तो नाक का सवाल तो हर चुनाव में ही होता है कि सब हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जीते, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भाई देखिए, शिक्षा के नाम पे जो हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी का जो एक मुहिम है, जो उनका विज़न है, उस विज़न के तहत ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में लोग, ये विधानसभा के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसी पर हम लोग काम करना चाहते हैं, और इसी के लिए ही हम लोग ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे भी। आपके यहाँ ये भी कहा जाता है कि एक सिंपैथी भी है इरफान सोलंकी की वजह से, लेकिन हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि इरफान सोलंकी या उनके परिवार की जो चीज़ें थी उससे पीड़ित भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि सिंपैथी का फ़ायदा मिल सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो लोग बहुत इस तरह के अगेंस्ट में हैं उसका नुकसान भी पार्टी को देखने को मिले? सभी तो आपके पक्ष में नहीं हो सकते ना, और जो आपके विरोधी है वो तो आपकी शिकायत ही करेगा, कभी आपकी तारीफ तो करेंगे नहीं। लेकिन जो अपने हैं, जनता चाहती है, मेन तो सब कुछ तो जनता है ना, जनता ने ही इनको 6 बार जिताया है, वही जनता आज इनके साथ खड़े हैं। और जो सिंपैथी की बात है वो तो है भाई, जुल्म हुआ है, सभी लोग इस बात को जानते हैं, और सही गलत का फैसला तो जनता के हाथ में है, और वही फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह सही फैसला होगा जो पीछे ही लोग करते आए हैं। क्योंकि ये सोलंकी जी, इरफान सोलंकी भाई जो हैं, ये लोग भी जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, विकास का कार्य किया है, कहीं भी जाइए क्षेत्र में उनका बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने काम कराया, लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जनता देखती है ना कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है,
तो वो उनका साथ देते हैं और उन्होंने दिया भी है और आगे इंशाल्लाह देंगे भी। आपकी जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी हैं, कभी भी राजनीतिक उनका करियर नहीं रहा है, वो हमेशा से घर देखा है उन्होंने, एक हाउस होम मेकर रही हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि पहली बार उतर रही हैं चुनाव में तो वो चुनाव ठीक से लड़ पाएंगे? देखिए, ये राजनीति का, ये घर के बाहर की राजनीति है, पार्टियों की मतलब राजनीति है ये, लेकिन जो घर में जो राजनीति होती है मुझे लगता है कि वो ज्वाइंट फैमिली में है और घर चलाती हैं, तो जो महिला घर चला सकती है अच्छे से, फैमिली के सारे लोगों के साथ एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना के, बच्चों की परवरिश करना, शौहर को देखना, घर के बुज़ुर्गों को देखना, जो औरत ये कर लेगी ना वो किसी भी मैदान में कामयाब ही रहेगी और इंशाल्लाह वो इसमें कामयाब रहेंगी और कर ले जाएंगी। तो आप थी गजाला लारी जिनका ये कहना था कि जो सपा की प्रत्याशी हैं जब उन्होंने घर का मैदान जीत लिया है तो वो राजनीति का मैदान भी जीत लेंगी, और दूसरी तरफ उन्होंने सपा के अंदर चल रही खींचतान पर साफ तौर पर कहा कि अब पार्टी में ऑल इज़ वेल है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मतदान होगा और जब इन चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि वाकई में पार्टी में ऑल इज़ वेल था या फिर नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।